मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज़ में हनुमान चालीसा एल्बम को रिलीज करने से पहले टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी की टीम राम की नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाकर रामलला का दर्शन पूजन किया और हनुमान चालीसा एल्बम को रामलला के चरणों में भेंट किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के साथ रिलीज किया। तो वहीं कारसेवकपुरम में प्रेस वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा के रिलीज के अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं, हमें भगवान राम व हनुमान जी के आदर्शों को समाज के समक्ष रखना चाहिए, इस प्रयास में हम लोगों ने भी मदद की है। सुखविंदर सिंह ने बताया कि इसकी रचना व डिजाइन चंद्रकांत भुआ और जे शंभू जे सिंह ने किया है। वहीं टाइम ऑडियो कंपनी के पार्टनर शगुन वाद ने बताया कि कल हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा एल्बम को हनुमान जी को समर्पित करें, सभी को सुखविंदर सिंह का गाना दिखाएंगे। अयोध्या आकर इस पवित्र जगह पर बहुत अच्छा लगा, जिससे मन प्रसन्न हो गया। इसके निर्देशक राजीव खंडेवाल हैं, कोरियोग्राफर लॉलीपॉप डीओपी संतोष दामोदर हैं, इसके एडिटर भावीन सी भू हैं। टाइम ऑडियो ग्रुप कंपनी के द्वारा गाने को रिलीज व डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। श्री हनुमान चालीसा पूरी ही है इसमें, क्योंकि इसमें आप कोई भी विचार को एडिट नहीं कर सकते। और हमने ये काउंट नहीं किया कि कितने मिनट की है, हमने इसमें जो श्रद्धा और भावना जो इमोशन है उसको कैलकुलेट नहीं किया। अलग अलग जगह से मुझे बताते हैं लोग कि ये 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, पर मैंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा मन किया, मैं गाता रहा और उसके बाद में संपूर्ण भावना के साथ बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी इसके कि धूप है या कहाँ अलग अलग जगह पे, हालांकि इन्होंने वाराणसी का जिक्र किया है, ये ऋषिकेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, मुंबई के तट पे भी हुआ है, अलग अलग जगह पे जाके टाइम ऑडियो और चिराग जो स्पेशल इफेक्ट जिन्होंने किया है, इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। और जो चीज़ मैंने नोटिस की, जो मैं चाहता था कि वैसे हो, जो श्रद्धा भाव है वो अलग नहीं होना चाहिए, इन्होंने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहा और अभी भी खुश हूँ। अभी भी देख के मेरी आत्मा भाव विभोर है, मन प्रसन्न है, और यही सच है, इससे यही हकीकत है। अयोध्या के मंदिर में आए थे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद देने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शन किया, प्रेस को अटेंड किया और हम आशीर्वाद लिया और हमने गाना रिलीज किया, और हम सब प्रेस वालों का और अयोध्या का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये हम लोगों ने एक स्पेशल ऑडियो बनाया जिसमें एनिमेशंस और जो लाइव है उसका मिलन मिश्रण है, और सुखविंदर जी के ऊपर शूट किया और बहुत भव्य तरीके से शूट किया हमने। आज वो श्रीराम अयोध्या मंदिर में हमने उसको रिलीज किया। कल का सब क्या कार्यक्रम? कल हमारा, क्योंकि हनुमान जयंती है तो हम चाहते हैं हनुमान जो चालीसा है हम हनुमान गढ़ी के अंदर हनुमान जी को समर्पित करें, तो हम लोग कल सुखविंदर जी को जाके वहाँ पे सब पब्लिक के सामने वापस वहाँ पे हम लोग वो गाना दिखाएंगे। अभी सर कौन सी फिल्म जो है रिलीज जो करने जा रहे हैं? अभी हम लोग 10 किधर अयोध्या में जो है क्या, अभी 10 फिल्में हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें से देखेंगे हिंदी कौन सी पिक्चर यहाँ पे शूट हो सकती है। तो बबलू जी हमारे लाइन प्रोड्यूसर है इधर से, बबलू जी पांडे जी, उनके साथ हम यहाँ पे 1-2 फिल्मों की शूटिंग भी करेंगे। क्या संदेश देंगे? बस किसके लिए? श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु यही है कि हनुमान चालीसा सुने, भगवान का नाम ले और हिंदुत्व में श्रद्धा रखें और सुखी शांति से रहे। अयोध्या सर आप आए, कैसा लगा यहां? बहुत बढ़िया लगा, एकदम पवित्र जगह है, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो गया, और हम चाहते कि वहाँ पे निर्माण कार्य भी चल रहा है। बहुत बढ़िया लगा वहाँ पे, हम जाके वहाँ पे हमने श्री राम जी से आशीर्वाद लिया और हम यहाँ पे बार बार आने की कोशिश करेंगे।